प्रभु यीशु में सभी प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक वचन को लेकर आया हूं। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक मिनट के लिए सब जन आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तेरे लोगों के जीवन में कार्य हो। जो हील होना चाहते वो हील हो पिता। डिलीवरेंस इनका भाग हो सामर्थ यीशु। बरकत आशीष इनका भाग हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के वचन में जाते हैं और उससे पहले बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला कुरंथियों उसका 2 अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 12 से लेकर 16 आयत तक। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यह आयत हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आज का विषय इसी आयत के साथ रिलेटेड है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का विषय जिस पर मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं वो ये है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। क्या आज आप स्टिल रिएक्ट करते हैं शरीर की बातों के लिए? अगर एक व्यक्ति जिसका शरीर में जन्म हुआ है वो शरीर की बातों के साथ रिएक्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमस से कहा, तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। और अगर आज आपका जन्म नया हो चुका है, आप शरीर की बातों में रिएक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको आज बात बताता हूं कि अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर की लालसा किसी रीति से आप पूरी नहीं करेंगे। गलातियों 5:16 आप पढ़ सकते हैं। बाइबल में बताती है, अगर हम कुरंथियों को ध्यान से अगर हम इसको पढ़ें कि जो व्यक्ति शारीरिक रीति से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मिक रीति जन्मा है वो आत्मा है। अब इस जो पहले वचन है इसमें आकर पूरा होता है, मैनिफेस्ट होता है कि पहला कुरंथी 2:14 में लिखा है, जो शारीरिक मनुष्य है परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। यानी कि जो शरीर में जन्मा है वो शरीर की बातों को ग्रहण करेगा। यदि आज आप शरीर में जीवित हैं तो यदि आपको कोई शरीर में गाली देता है तो आप उसका जवाब गाली में देंगे। इसका मतलब आज तक आप शरीर में जीवित हैं। और यदि आप आत्मा में जीवित हैं तो बाइबल बताती है कि निकोदिमस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। और यदि हम नया जन्म लेते हैं तो पुराना जो जन्म माँ से हुआ है, माँ के गर्भ से हुआ है, वो जन्म कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की मौत के साथ वो जन्म खत्म हो जाता है और हम भी कब्र में से बाहर निकलते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। और एक शारीरिक व्यक्ति केवल शारीरिक लालसाओं को रिएक्ट करता है। अगर शरीर में उसे कोई बुरा भला कहता है वो शरीर में बुरा भला कहता है, अगर शरीर में उसे कोई गाली देता है तो वो शरीर में गाली देता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा से जन्मा है, हालेलुया, वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा, किसको वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा पवित्र आत्मा को। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर आप आत्मिक रीति से आपका जन्म हुआ है तो आप आत्मा की बातों को ग्रहण करेंगे, शरीर की बातों को नहीं। आप आत्मा की बातों को रिएक्ट करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा, ना तो तुझे पहाड़ पर जाकर ना यरूशलम में जाके, बल्कि तुझे कैसे आराधना करने की जरूरत है। परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो रूह आत्मा और सच्चाई सच के साथ आराधना करते हैं। हालेलुया। और सब उपदेशक 12:7 में साफ लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा।
हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के पास यदि हमारा बदन शरीर जाना ही नहीं है तो हमें शरीर में रिएक्ट करने का फायदा क्या है। यदि जो व्यक्ति आत्मा में जन्म है वो शरीर में कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, जो आत्मा में जिसने जन्म ले लिया है। हालेलुया। तो शरीर की लालसाओं को कौन रिएक्ट करेगा जो अभी भी शरीर में जीवित है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान इसको सबसे बड़ा हथियार लेकर बनाकर इस्तेमाल करता है। हमारे शरीर की लालसाओं, शारीरिक लालसाओं के द्वारा वो इस्तेमाल करता है। प्रिय भाई और बहनें, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी आप ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियो को, परमेश्वर आज आपसे एक अनुरोध कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे अनुरोध करता है कि हम आत्मा के द्वारा जन्मे, और आत्मा के द्वारा वही हमें जन्म दे सकता है जिसका खुद जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन देखें या देखेंगे पिता परमेश्वर, इन सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आने वाले समय में मुझे सामर्थ दें ताकि मैं और ऐसे वचनों को, सिंपल सिंपल बातों को जब मैं बताऊं पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी रेवलेशंस तेरे लोगों के सामने क्लियर हो, प्रकाशन खुले सामर्थ यीशु, और लोगों के जीवन बचे। जितने भी आज इस वीडियो को देखें वो सब हील हों, सब डिलीवर हों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।